तरह की बनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़याज़ महमूद और एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज फिर से एक रेसिपी पे एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा कि आप लोग साथ शेयर कर लूँ, बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाना भी बहुत आसान है और जब आप इसको खाएंगे तो आपकी जो आप कहते हैं कि उंगलियाँ आप चाटते रह जाएंगे, इस तरह की मैं रेसिपी आप लोग साथ शेयर करने लगा हूँ। आज मेरे माइंड में था कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँ दुम्बा कढ़ाई। तो दुम्बा शनिवारी कढ़ाई जो है मैं आप साथ शेयर करूंगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आइए मैं आपको रेसिपी की तरफ लेकर चलता हूँ। गोश्त ले लिया है मैंने, तकरीबन ये 3 पाव गोश्त है। और इसमें जो डालने के लिए हमने मसाला जात जो यूज़ किया है वो मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। इसमें जाएगा तकरीबन कोई 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है नमक, और वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। इसी तरह ये बेर मिर्च है, कुटी हुई मिर्च जिसको बोलते हैं वो है, और इसी तरह ये काली मिर्च है और ये भी है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। ये 3 मसाला जात इसमें जाएंगे। और इसके बाद आप गार्निश करने के लिए एंड में आप इसमें जो है मिर्च, सब्ज़ मिर्च और धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम आपको लेकर चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई उठा ली है और इसमें जो है मैं डाल देता हूँ गोश्त को। ये चला गया इसमें गोश्त, और तकरीबन इसमें जाएगा 1 गिलास से थोड़ा कम पानी। थोड़ा सा आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पानी मैंने इसमें डाल दिया, और सेम ये जो नमक मैंने निकाला था इसमें, ये आप इसमें आराम से डाल दीजिए। तो इसको मिक्स कर देते हैं जी। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। इसको दम आने पर, मतलब 15 मिनट आप इसको छोड़ दें, ठीक है। 15 मिनट तक आप इसको, मैं आपकी कंडीशन दिखाऊंगा और उसके बाद फिर जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ आपको कि आपने इसमें कुकर का इस्तेमाल नहीं करना गोश्त को गलाने के लिए। ये इसी अपने पानी में अपनी जो इसके अंदर जो, क्योंकि दुम्बे के गोश्त के अंदर थोड़ा चर्बी भी होती है, तो चर्बी के अंदर भी ये खुद जो है गल जाएगा गोश्त को। जी तकरीबन कोई 15 मिनट तो हो चुके हैं और अब मैं आपको गोश्त की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, गोश्त जो है माशाल्लाह हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इसको मैं जो है आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपका, मैं आपको जो प्रोसेस है वो बताऊंगा, आपने नोट करना है कि इसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये जो लहसुन अदरक का जो मैंने पानी उबाला था आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। ये चला गया लहसुन अदरक का जो पानी था वो इसमें चला गया, ठीक है। और इसी के साथ आपने इसमें तकरीबन कोई 1/2 किलो टमाटर जो हैं वो काट के इसमें आपने शामिल कर देने हैं। ये आ गए जी टमाटर, और आपने इन टमाटरों को सिर्फ 2 पीस करने हैं और आपने अपने इस गोश्त में शामिल कर। ये देखिए सिर्फ 2 पीस आपने करने हैं और टमाटरों को आपने इस गोश्त में शामिल कर देना है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये देखें आप, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और अब आपने इसको 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके दोबारा से दम रख देना है। ये जी 3 मिनट के लिए दोबारा से हमने इसको कवर कर दिया। अब 3 मिनट के बाद जो उसकी कंडीशन होगी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। कहा था कि मैं गोश्त को रखूँगा और इसको जो है जब तक इसमें जो जो टमाटर है वो अपनी स्किन ना छोड़ दें तब तक मैं इसको रखूँगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान में हम रहते हैं और हमारे घर में गैस चली गई है, तो अब मैंने इसको सिलेंडर पे इसको रख दिया है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताने लगा। तो अब इसका हम ये कवर उतारते हैं। ये देखिए जो टमाटर है इन्होंने अपनी स्किन जो है वो छोड़ दी है। तो अब मैं आपको जो है इसकी स्किन रिमूव करने का तरीका भी बताता हूँ। ये आपने इस तरह से पकड़ के ये स्किन इसकी उतार देनी। तो अब ये जो है टमाटरों को मैंने इसकी स्किन जो है इसके ऊपर से उतार दी है, और आपने इस तरह से ये जो इसकी स्किन है जो बच जाए वो भी निकाल दें आप इसमें से, ठीक है।
और आपने ये जो टमाटर हैं आपने इसके अंदर मिक्स करके आपने इसको तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट आपने इसको और दम पे रखना है ताकि ये सही तरीके से जो पक जाए। ठीक है, तो दम पे रखने के बाद मैं अभी आप उसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जी तकरीबन कोई 5 मिनट हो गए और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गोश्त की क्या कंडीशन है। ये देखिए जी माशाल्लाह गोश्त जो है काफ़ी हद तक जो है इसका रंग निकल आया है और ये जो टमाटर हैं आपने अब तकरीबन कोई 5 मिनट आपने और जो है 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपने और इसकी जो भुनाई है वो आपने करनी है क्योंकि इसमें पानी है जी। तो अब आपने आकर इसमें तकरीबन जो मैंने आपको शुरू बताया था कि आपने इसमें कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो डालनी हैं तो ये आपकी इसमें कुटी हुई मिर्चें भी चलेंगी। ठीक है, और ये जो काली मिर्च है ये मैं आपको कब डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इस सालन की जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू उसकी आ रही है। तो 5 मिनट पहले हम लोगों ने इसकी भुनाई की थी, ठीक है, तेज़ फ्लेम पे, और अब तकरीबन 2 मिनट में इसकी और भुनाई करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एंड में आपने किस तरह से इसको सर्व करना है। जी तो ये देखिए मैंने 2 मिनट और भी जो इसकी भुनाई करके तो अब ये जो है फ्लेम को आपने इस वक्त में थोड़ा तेज़ करना है और ये देखिए माशाल्लाह जो है इसकी जो गोश्त है उसने हड्डी को छोड़ दिया है, ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, और अब आकर आपने बेशक आप फ्लेम को थोड़ा आहिस्ते कर ले, ठीक है, और इसमें आपने ये जो काली मिर्च मैंने आपको बताई थी 1/2 टेबल स्पून आपने ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है और साथ में मैंने जो है इसके लिए सब्ज़ धनिया और बड़ी मिर्चें जो हैं सब्ज़ वाली वो मैंने थोड़ी बड़े टुकड़ों में इसको मैंने काट लिया है तो ये भी आपने इसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये आ गया धनिया इस पर, तो आप देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ये हमारा जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो गई है। तो अब इसको जो है कि थोड़ा सा इसको मिक्स करके अब आप इसको सर्व कर दें। जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अब हम जो टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि हमने जितनी मेहनत की वो किस तरह की बनी है। तो आइए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी इसमें मैं साथ लगाता हूँ बोटी और ये देखिए माशाल्लाह किस तरह जो है गला हुआ है गोश्त। ठीक है, तो अब इसका जो है हम एक टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है और गोश्त जो है वो बिल्कुल गला हुआ है, ना ज़्यादा जो है इसमें जो है नमक है ना ज़्यादा मिर्चें हैं, बिल्कुल लेवल में रही है हर चीज़ें। तो माशाल्लाह जो मेहनत की है उसका एक फल जो है हमें वो मिल गया। तो आप भी जाइए इसको जो है आप लोग जो है अपने घर में ट्राई कीजिए। जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई और एक एक चीज़ मैंने आपके साथ इसमें शेयर की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई आपको इसमें आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ जो है मैंने नहीं बताई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको जवाब दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पे एक नई उमंग के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।